सरकार किसानों की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने की जगह विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को किया गिरफ्तार। प्रशासन के मानने पर वापस लौट गए हरीश रावत। दरअसल यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों की गाड़ी से कुचलकर हत्या के मामले में पीड़ित किसानों से मिलने के लिए आज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बहेड़ी में यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर बने टोल प्लाजा पर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, जहां पर छावनी बने टोल प्लाजा पर यूपी पुलिस ने हरीश रावत को गिरफ्तार कर लिया। हरीश रावत के गिरफ्तार होते ही कांग्रेस के कार्यकर्ता टोल प्लाजा पर ही धरने पर बैठ गए और लखीमपुर खीरी जाने की मांग करने लगे। पुलिस ने हरीश रावत को टोल प्लाजा में अस्थायी जगह पर बैठा दिया। स्थानीय प्रशासन के मानने पर हरीश रावत वापस लौटने को तैयार हो गए। वहीं हरीश रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज किसान अपने हक की आवाज उठाता है तो उसे गाड़ी से कुचलकर मार दिया जाता है, और जब प्रियंका गांधी पीड़ित किसानों से मिलने के लिए जाती है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि जो किसानों के हत्या के आरोपी हैं उन्हें अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। अब देश में लोकतंत्र को खतरा हो गया है। जो भी अपने हक की आवाज उठाएगा उसे या मार दिया जाएगा या उसे जेल में डाल दिया जाएगा। इतना जुल्म तो अंग्रेजों के दौर में भी नहीं हुआ है जितना बीजेपी सरकार में हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि हमारा काम यहां आकर अपना विरोध दर्ज कराना था, जो हो गया है। यदि प्रशासन उन्हें लखीमपुर जाने की इजाजत देता है तो वो पीड़ित किसानों से जरूर मिलेंगे। बाद में पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हरीश रावत ने मौके पर पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और उत्तराखंड वापस हो गए। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। लोगों को जिन्होंने हत्या की है उनकी गिरफ्तारी तो है ही एक मुद्दा, और मुद्दा ये भी है कि उकसाने वाला जो व्यक्ति है, चाहे वो कितने बड़े पद पर क्यों नहीं है, वो भारत सरकार का मंत्री है, ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये बहुत शर्मनाक है जो मंत्री है। जिस प्रकार से प्रियंका जी को डिटेन किया गया बिना अपराध बताए, उनको कई दिन तक, कई घंटों तक वहाँ डिटेन किया गया, तो ये सब चीज़ें जो है एक खतरनाक संकेत देती हैं। इसके खिलाफ एक व्यापक लड़ाई होनी चाहिए। तो आज हम सब कांग्रेस जन लोकतंत्र बचाओ, किसान बचाओ, संविधान बचाओ, देश की मूल्य और मान्यताओं को बचाओ, इस नारे के साथ लखीमपुर खीरी को प्रस्थान कर रहे थे। प्रशासन को आदेश है, उन्होंने अपने आदेश मानने हैं, अपने आकाओं के। उन्होंने कहा कि हम जाने नहीं देंगे, हमने कहा ठीक है, आप किस पर रोक रहे हैं। उन्होंने कहा हमने आपको गिरफ्तार कर लिया, हमने किसी को अस्थायी जेल घोषित कर दिया, और उसके बाद इतने दिनों इसके समय बाद हम क्या कर देंगे। हमारा मकसद अपना विरोध दर्ज करना था। हमारा मकसद कोई कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति खड़ा करना नहीं है। हमारा और कोई मकसद नहीं, केवल मकसद ये है कि देश को, दुनिया को ये मालूम होना चाहिए किस अलोकतांत्रिक तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है और केंद्र सरकार काम कर रही है, और उससे कांग्रेस लड़ रही है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ रही है, प्रियंका जी के नेतृत्व में लड़ रही है। तो हम उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए सब यहाँ पर आए हैं और हमने गिरफ्तारी दी है। मैं सब साथियों का जो आए हैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, और अपने मीडिया को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस संघर्ष में उन्होंने जनता की आवाज़ बन करके, जनता की लाठी बन करके उनको सहारा दिया है। क्या आप ये धरना जिस तरीके से आपकी गिरफ्तारी आपको डिटेन किया गया, रखा गया है, आपको प्रशासन क्या इसे गिरफ्तारी कह रहा है या आप धरना दे रहे हैं? अनाउंस किया आए मजिस्ट्रेट ने, अनाउंस हो रहा है, और मजिस्ट्रेट के अनाउंसमेंट के बाद एक कानून सम्मत प्रक्रिया है, कानून सम्मत प्रक्रिया के अंदर उसको डिटेन किया गया, उसी के तहत हमारी रिहाई का टाइम भी निर्धारित किया गया, तो हम उसका पालन करें। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके का विरोध प्रदर्शन हिंदुस्तान की लोकतंत्र व्यवस्था में हमेशा रहा है, पहली बार इस तरीके की रोका जा रहा है पीड़ितों से मिलने? ये पहली बार हो रहा है, और इसीलिए पहली बार इतने जबरदस्त तरीके से जगह जगह विरोध भी हो रहा है। आज ही उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, पंजाब से दूसरे प्रांतों से भी इस तरीके के मार्च करने की खबरें आ रही है, क्योंकि लोग केवल प्रियंका जी की रिहाई से नहीं मान रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र कैद कर दिया है इन्होंने, संविधान को कैद कर दिया है इन्होंने, किसानों की आवाज़ को कैद कर देना चाहते हैं, उसको कुचल देना चाहते हैं। इसलिए जगह जगह से संघर्ष की आवाज़ें उठ रही हैं, और उत्तराखंड से भी हमारे सब साथियों ने कहा कि
केवल प्रियंका जी की रिहाई काफ़ी नहीं है, ये इनके कब्जे से लोकतंत्र को रिहा करवाना है, इसलिए हम अपना विरोध प्रकट करने के लिए दर्ज करने जाएंगे और उसी के लिए सब लोग इतने उत्साहपूर्ण तरीके से इतने जोशीले तरीके से यहाँ आए। इसमें देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे थोड़ी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल हो रहा है जो सिख लोग हैं इस आंदोलन को लेके, तो क्या आप मानते हैं कि किसी तरीके की कोई सेल काम कर रही है? भाजपा हमेशा बांटो राज करो की है, लेकिन काट की हड्डियाँ एक ही बार चढ़ती है। 2017 में कब्रिस्तान शमशान चढ़ गए, अब इनकी काट की हड्डियाँ चढ़ने वाली नहीं है, लोग उनका खेल समझ गए हैं। ये हर जगह जो है कुछ न कुछ ऐसा निकालते हैं जिससे लोगों का मन बढ़ जाए, लोगों के लोगों में तफरका पैदा हो जाए, तो ये तफरका पैदा करने वाली जो ताकत है यही ताकत लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है।